हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी आर्ट एंड कल्चर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से सभी क्वेश्चन जो कि कवर करेंगे, जो आपके पीएससी के लिए, सभी एग्जाम के लिए, पुलिस का हो, कॉन्स्टेबल, सब इंस्पेक्टर को, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। अगर मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से जितना भी क्वेश्चन करा रहे कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चौथा पार्ट है छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर के। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट। तो यहाँ पर हम 59 तक क्वेश्चन को किए थे, 60 तक। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कौन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक हैं? तो याद रखिएगा, लोक गायक हमारे छत्तीसगढ़ के पूछे गए हैं तो केदार यादव, जयंत देशमुख, श्याम ननौरिया, जड्डी हैं, कौशल देवार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा केदार यादव, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक हैं। तो याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पीएससी में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो केदार यादव हमारे छत्तीसगढ़ के लोक गायक हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61। छत्तीसगढ़ में लखन घाट का मेला किस जिले में मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पीएससी पूछा गया है। तो आपके सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जांजगीर। याद रखिए, तो जांजगीर में, जो कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर में लखन घाट का मेला, जो कि इस जिले में जो कि मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जांजगीर में लखन घाट का मेला लगता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पनवानी का गुरु गायक किसे माना जाता है? तो पूनाराम निषाद, मिथिलेश साहू, झाड़ू राम देवांगन, नवल दास मानिकपुरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा झाड़ू राम देवांगन, जो कि छत्तीसगढ़ के पनवानी के गुरु गायक इनको माना जाता है। तो याद रखिएगा, पनवानी के गुरु नायक जी हैं आपके झाड़ू राम देवांगन जी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध नाटक निर्देशक थे हबीब तनवीर जी, अशोक मिश्र जी, देवदास बंजारे, यडी है गोविंद राम निर्मलकर जी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हबीब तनवीर, जो कि प्रसिद्ध नाटक निर्देशक थे। याद रखिएगा, नाटक निर्देशक आपके हबीब तनवीर थे। तो इसका जो सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। आपके पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो आपका कर्मा, चंदैनी, सरहुल, हुलकी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हुलकी। याद रखिए, तो मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो हुलकी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ठुमरी गायिका के रूप में प्रसिद्ध थी? तो वत्सला पामकर, जयंती यादव, आपका निभा रानी गुप्ता, या डी है रजनी रजक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वत्सला पामकर, जो कि छत्तीसगढ़ के ठुमरी गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, ठुमरी गायिका है आपके वत्सला पामकर जी, जो कि प्रसिद्ध थी आपके वत्सला पामकर जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्न कौन सा एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है? तो कालबेलिया, तमाशा, गेड़ी, गिद्धा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गेड़ी, जो हमारे छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है गेड़ी है, बाकी कालबेलिया, तमाशा और गिद्धा ये सब आपके दूसरे राज्य के लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले का आदिवासी धातु मूर्ति बनाने में विशेष दक्ष है? तो सरगुजा, कोरबा, बस्तर, कोरिया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, तो बस्तर जिला, जो कि आदिवासियों द्वारा यहाँ पे धातु मूर्ति बनाने के इन लोग विशेष दक्ष होते हैं, और उन लोग जो कि यहाँ पे दो बस्तर जिले में जाएंगे घूमने वगैरह, तो इन लोग आर्ट एंड कल्चर के, जो कि बहुत सारे हाथों से, जो कि इन लोग जो कि बहुत ही कारीगरी होते हैं, इन लोग धातु मूर्तियाँ बनाते हैं। जिन लोग यहाँ पे जो आदिवासी लोग होते हैं, सभी आपकी मूर्तियाँ बनाने में विशेष दक्ष भी हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य क्या है? तो आपका प्रसिद्ध रासलीला है, लोकगीत है, साप्ताहिक पत्रिका है, या डी है छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। तो उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रसिद्ध रासलीला है। याद रखिए, पीएससी में ये क्वेश्चन आए हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य किस पर आधारित होता है? तो प्रसिद्ध रासलीला पे जो कि आधारित होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रसिद्ध रासलीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस पर्व में सतावरी और रसना नामक पौधों की रचना की जाती है? तो तिहारी तिहार में, दियारी तिहार है आपका, लक्ष्मी जागर, अमूंस तिहार, या डी है माटी तिहार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अमूंस तिहार। तो छत्तीसगढ़ में इस पर्व में अमूंस तिहार में यहाँ पे सतावरी और रसना नामक पौधों की रचना की जाती है। तो इसका अमूंस तिहार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ के संगीतज्ञ श्री विष्णुप्रीत जोशी की जन्म स्थली कहाँ है? तो चंद्रखुरी, दामाखेड़ा, रायपुर, बिलासपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के संगीतज्ञ हैं श्री विष्णुप्रीत जी जोशी, इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थली कहाँ पे हुआ है? तो इनका जन्म स्थली रायपुर है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लोरिक चंदक किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? तो आपके दाऊ को महाशय चंद्राकर जी, लाला फुलचंद, या सी है दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी, या डी है केदार यादव। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लोरिक चंदक किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? तो दाऊ महाशय चंद्राकर जी के राज्य के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ था लोरिक चंदक। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए लोरिक चंदक के जो जनक हैं दाऊ महाशय चंद्राकर को माना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध लोक नाट्य कारी के निर्देशक थे? तो राम हृदय तिवारी, गोविंद राम, फागुराम यादव, या डी है रामचंद्र देशमुख। तो जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, या राम हृदय तिवारी जी, जो कि प्रसिद्ध लोक नाट्यकारी के निर्देशक हैं। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन राम हृदय तिवारी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पनवानी गायक नहीं है? पनवानी गायिका नहीं है, गायक नहीं है, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो झाड़ू राम देवांगन, लक्ष्मीबाई, पूनाराम निषाद, या परशुराम जांगड़े। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परशुराम जांगड़े, जो कि एक पनवानी गायक नहीं है। तो इसमें से आपका झाड़ू राम देवांगन, लक्ष्मीबाई और पूनाराम निषाद, ये आपके पनवानी गायक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए पनवानी से एक नया क्वेश्चन जो कि हर साल पीएससी में पूछा ही जाता है। तो झाड़ू राम देवांगन और लक्ष्मीबाई और पूनाराम निषाद, ये तीनों को नाम को याद रखिए, जो कि इन लोग पनवानी गायक हैं। बाकी आप जो परशुराम जांगड़े हैं, जो कि ये है आपके पनवानी गायक नहीं है। तो इसका नहीं है पूछा गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74। बस्तर की धुरवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो परब नृत्य, दमनच नृत्य, सैला नृत्य, या डंडारी नृत्य। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा परब नृत्य, ए ऑप्शन। तो बस्तर के धुरवा जनजाति के जो प्रसिद्ध नृत्य कौन सी है? तो परब नृत्य। याद रखिए जो आपके बस्तर में धुरवा जनजाति के लोग, आदिवासी लोग हैं, इन लोग परब नृत्य जो कि इन लोग जो कि करते हैं, तो प्रसिद्ध है आपके धुरवा जनजाति में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बस्तर किस शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो साड़ियों के लिए, हस्तशिल्प के लिए, या जूट उद्योग के लिए, कांच के सामान के लिए। तो आपके जो बस्तर यहाँ पे जिला में जो कि शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है, इन लोग आपके हस्तशिल्प या हाथों से जो कि इन लोग कला के अनुसार जो कि प्रसिद्ध है हस्तशिल्प के लिए, इन लोग जो कि शिल्पकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है आपके बस्तर के लोग जो कि आदिवासी लोग हैं, इन लोग हस्तशिल्प के लिए जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बस्तर लोकोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया है? तो वर्ष 2001 से, वर्ष 2002 से, या वर्ष 1999 से, या वर्ष है 2000 से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, वर्ष 2001 से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बस्तर लोकोत्सव का आयोजन जो कि प्रारंभ किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा 2001 से प्रारंभ किया गया है। 77 क्वेश्चन है। बस्तर लोकोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? तो साल 7 से 17 अक्टूबर तक, या बी है 1 से 10 अक्टूबर, या सी है 15 से 20 अक्टूबर, या डी है 10 से 17 अक्टूबर तक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 से 17 अक्टूबर तक, जो कि इस दिन तक 7 से 17 अक्टूबर तक, इस दिन तक बस्तर लोकोत्सव का आयोजन जो कि इतने दिन तक चलता है। याद रखिए 7 से 17 अक्टूबर जो कि आयोजन होता है बस्तर लोकोत्सव का। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं? तो रविंद्र डेकाटे, हिमांशु मिश्रा, सुभाष पन्ना, या डी है विजय बर्ठे। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विजय बर्ठे, जो कि कोरबा के प्रसिद्ध चित्रकार इनको माना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, जो कि चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन 79। बस्तर के केपी मंडल किस कला के लिए ख्याति लब्ध है? काष्ठ कला, घड़वा कला, धातु शिल्प, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका जो सही ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, काष्ठ कला के लिए बस्तर के जो केपी मंडल जी हैं, जो कि काष्ठ के लिए बहुत ही जो कि प्रसिद्ध हैं और जो कि ख्याति लब्ध हैं। तो याद रखिए काष्ठ कला से संबंधित है केपी मंडल जी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है, केपी मंडल किस कला के लिए ख्याति लब्ध हैं, तो काष्ठ कला, केपी मंडल किससे संबंधित है पूछा जाएगा, तो काष्ठ कला आंसर लगाइएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। नृत्य के साथ मनोरंजन गीत नहीं है, तो कर्मा, डंडा, नचौरी, देवार। तो
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी देवार, जो कि नृत्य के साथ मनोरंजन गीत नहीं है। बाकी कर्मा, डंडा और नचौबरी यह नृत्य के साथ यहाँ पे मनोरंजन गीत भी है ये, बाकी डी देवार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है? तो गोंड जनजाति, हल्पा जनजाति, राउत या कुर्मी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, बांस गीत कौन सी जनजाति लोग जो कि प्रमुख गाते हैं? तो आपके जो राउत जाति लोग के हैं, इन लोग बांस गीत जो कि प्रमुख गाते हैं। तो याद रखिएगा, राउत जो लोग होते हैं, इन लोग बांस गीत जो कि इस जाति के लोग गाते हैं। CGPSC 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राउतों के विशेष प्रकार की बांसुरी को कहते हैं मोहरी, मोहराली या सिंह बाजा या डी है केंद्री। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, मोहराली। तो राउतों को जो विशेष प्रकार की बांसुरी होती है, तो इस बांसुरी को हम किस प्रकार के बांसुरी कहते हैं? तो आपके मोहराली के नाम से इसको जाना जाता है। PSC में इसको भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तबले से मिलता जुलता जो छोटा यंत्र होता है उसे किस नाम से जानता है? तो ढोल, मांढर, दमऊ या दफड़ा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी दमऊ। तो तबले से मिलता जुलता जो छोटा यंत्र होता है उसे दमऊ के नाम से जाना जाता है। तो वाद्य यंत्र से एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं PSC में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 84, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक गौरव को प्रतीक चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति हुई थी वर्ष 1971 में, वर्ष 1970 में या वर्ष 1972 में या डी है वर्ष 1978 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1971 में। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति हुई थी आपके वर्ष 1971 को। डेट को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 85, बिलासपुर जिले में आयोजित किया जाने वाला जो बेल पान का मेला कहाँ लगता है? तो माघ पूर्णिमा में, महाशिवरात्रि, आषाढ़ अमावस्या के दिन या जन्माष्टमी में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा माघ पूर्णिमा, ए ऑप्शन। तो बिलासपुर ज़िले में माघ पूर्णिमा में यहाँ पे जो कि बाल बेल पान का मेला यहाँ पे लगता है बिलासपुर में, तो इसका ए ऑप्शन माघ पूर्णिमा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खल्लारी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम, कवर्धा, कांकेर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, महासमुंद। तो खल्लारी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो महासमुंद में लगता है। तो आपके खल्लारी के जो प्रसिद्ध मेला है महासमुंद में लगता है, इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश का मुख्य चित्रकला केंद्र है? तो रायपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रदेश का मुख्य चित्रकला केंद्र कहाँ है? तो आपके रायपुर में है, तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंडी चित्रकला के चित्रकार हैं? तो आनंद सिंह श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम, ए और बी दोनों या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी ये दोनों सही आंसर हो जाएंगे। तो गोंडी चित्रकला के चित्रकार हैं आपके आनंद सिंह श्याम और जनगढ़ सिंह श्याम, ये दोनों आपके सही आंसर हो जाएगा, जो गोंडी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है ये दोनों। तो इसका ए और बी दोनों सही, सी ऑप्शन ए और बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी पंथी लोक नृत्य को देश विदेश में किसने स्थापित किया है? तो देवदास बंजारे, लोरिक चंदा, चिंता दास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन याद रखिए, देवदास बंजारे, जो कि छत्तीसगढ़ी पंथी लोक नृत्य जो कि देश विदेश में इन्होंने स्थापित किया है, देवदास बंजारी, जो PSC में क्वेश्चन पूछा गया है। पंथी लोक नृत्य के जनक जो कि कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कौन है? तो देवदास बंजारी इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रहस्य का आयोजन किया जाता है तो बेड़ा, अंबिकापुर, आपका भरतनाट या आपका हेमारू में। तो इसका सही ऑप्शन, रहस्य का आयोजन किया जाता है बेड़ा में, तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिमटिमी है तो वाद्य है, कला है या नृत्य है या लोक कला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाद्य, याद रखिएगा। टिमटिमी क्या है? तो आपके एक वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा टिमटिमी वाद्य यंत्र है। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सुबह मैं 11 बजे आपके CGPSC 2021 में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको यहाँ पे जो कि सॉल्व करा रहा हूँ, जो आपके 2022 में कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे
तब तक आपको जो आगामी तैयारी कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे, कैसे पूछे जा रहे हैं, उसको आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए सुबह 11 बजे में यहाँ पे 4 पार्ट में जो कि अपलोड कर चुका हूँ सभी क्वेश्चन को, तो 2022 में उसके हिसाब से अपना रणनीति बना सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।